आज बात करेंगे गुरु की, शब्द की, उसके अर्थ की। गुरु ग्रह उससे जुड़ा हुआ है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ग्रह अलग अलग फल देते हैं अलग अलग कारकों से। तो आपको आज मैं उन दो गुरुओं के बारे में बताती हूँ जो हमारे सबके घरों में होते हैं, हमारे माता और हमारे पिता। ये हमारे सबसे पहले गुरु हैं, उसके बाद अध्यापक हमारे गुरु होते हैं, अड़ोस पड़ोस, सरकमस्टेंसेस। तो आज समझाती हूँ आपको कि आप अपने गुरु ग्रह यानी आप अपने गुरुओं को का आदर करके आप कैसे सम्मान पा सकते हैं, कैसे चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइंड रेडियस एडुकेशन स्पीकिंग टू यू। हम यहाँ पर सबकॉन्शियस ब्रेन रिपैटर्निंग, NLP, साइकोथेरेपी, और हम यहाँ पर हीलिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो यह चैनल, अगर आपको हमारे इन चीज़ों पर में इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम पहले बात करते हैं पिताजी की। पिता जो हैं वो सूर्य का रूप होते हैं, सूर्य यानी सन, सन ग्रह, सन प्लैनेट है ना। तो हाँ, ऊर्जा, तरक्की, एम्बिशन, नाम, बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करना, ये सब इस ग्रह की शक्तियाँ हैं। अगर आप अपने पिता को गुरु मान के उनका उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप दिन ब दिन उन्नति करते जाते हैं और साथ में आपका नाम भी रोशन होता है। मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा करिए, क्योंकि ये आप अनादर करके, उनका असम्मान करके अपना जो प्लैनेट है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। साथ ही साथ और कई ग्रह नाराज़ हो जाते हैं आपसे, क्योंकि कई ग्रह आपस में कारकों से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। नहा धोकर सुबह जब, ये लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि आपको गुरु अपने दोनों माता पिता जो प्लैनेट्स हैं, जिस प्लैनेट्स को अफेक्ट करते हैं वो आप मजबूत कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप नहाने धोने के बाद जब सूरज को जल देते हैं, जब उगा ही है, अभी उगा है, तो सूरज की तरफ देखते हुए, या आप जल बाद में दे दें, और आप सूरज की तरफ देखते हुए आँखों से उसकी रोशनी को, सूरज की रोशनी को ग्रहण कीजिए। अपना राइट हैंड अपनी नाभि पर रख लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि सारी सन की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। आप ऐसे करके अंदर सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे, और मिनिमम 5 बार आप सांस अंदर लेकर आप एक मंत्र बोलेंगे। जब आपने ऊर्जा ले ली है, आप चाहें तो 5 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसके बाद, अब आप जब जल देंगे, आप जल सीधे हाथ से देंगे, जल की धार की तरफ देखते हुए, और ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा 5 बार बोलेंगे। और ऐसे 5 बार बोलते हुए आप अपने गुरु का नाम, जैसे ओम मेरे पिताजी को नमस्ते हो, 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 ऐसा आपने नाभि पर हाथ रखा, ठीक है। सो दो प्रोसेस होंगी। पहली प्रोसेस कि आपने सूरज की रोशनी को ग्रहण किया, दूसरा आपने सूर्य नमस्कार जल दिया और साथ ही साथ उनका मंत्र बोला और आपने गुरु का मंत्र बोला। तो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य का बलवान होना, आकाश में इतनी रोशनी फैलाना, इसी तरीके से आपका नाम फैलेगा दुनिया में, आपके इरादे मजबूत होंगे, आप एम्बिशियस होंगे, शक्तिशाली होंगे। ये हुआ। हाँ, एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी घर से बाहर निकलें, अपने पिता माता के पैर ज़रूर छुएं, उनका हाथ अपने सिर पर फहराएं, और तब घर से उनसे आशीर्वाद, अगर विशेष काम के लिए निकलें तो आशीर्वाद लेके निकलें। अब है दूसरा,
हमारा जो माता हैं, माता जी हैं, वो चंद्रमा मानी जाती हैं। चंद्रमा प्लैनेट को हमारे जो हैं वो माता माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि चंद्र ग्रह अगर मजबूत करना है तो चंद्र ग्रह मजबूत होने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, आपके इरादे मजबूत होते हैं, आप चिंता रहित रहते हैं, हर चीज़ को बिना झंझट के कर लेते हैं, मानसिक परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन, एन्जाइटी, ये जो चंद्रमा है वो चंद्रमा इनका द्योतक होता है, इनका कारक होता है। अगर ये एनर्जी नेगेटिव हो जाए चंद्रमा की, तो नेगेटिव होने से हम लोगों को इसकी एनर्जी बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगर पॉजिटिव हों तो हम मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और किसी भी समस्या को झेल लेते हैं। और इसकी चंद्र मजबूत करने की और माता जी के साथ कैसा बिहेव करना है ये भी मैंने दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि आपको अपनी माता जी के इसी तरीके से चरण छूने चाहिए और घर से पहले निकलते समय उनके हाथ अपने सिर पे फहराना चाहिए। और आप उनसे जैसे आपने चावल खरीदे तो आप चावल उनके हाथ लगवाएं और उनके हाथ से चावल लें और उसको राशन में इकट्ठा करें, चाहे 10 किलो चाहे 20 किलो, और उनसे प्यार लें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे आज्ञा लेकर काम करें, तो आप देखेंगे कि दोनों ही गुरु जो कि सर्वप्रथम गुरु माने जाते हैं, एक चंद्रमा को मजबूत करता है, एक सूर्य को मजबूत करता है, आपके बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, माइंड रेडियस को, हमारे फेसबुक पेज गीता सहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी को लाइक और फॉलो कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।